student, myself Rubina Chaudhary, and we are discussing chemical thermodynamics. Student, in previous lecture we have seen pressure, volume, work, and now today we are going to see expression for pressure, volume, work. So student, you remember that we have already discussed work is equals to pressure into volume. This is what we have seen in our previous lecture. मतलब और इससे भी पहले आपने ये देखा है वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपके फिजिक्स के फॉर्म में था, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब हम लोग थोड़ा सा इसी को समझते हैं. उसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है. बाहर की जो प्रेशर है बच्चा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं. और जो अंदर प्रेशर है उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल प्रेशर बोल रहे हैं. तो बेटा ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है, याद करो थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर में हमने कुछ अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बारे में चीज़ें डिस्कस करी थी. अपोजिंग फोर्स क्या होता है और ड्राइविंग फोर्स क्या होता है. तो तुमने देखा था कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो उसको क्या बोलोगे? ड्राइविंग फोर्स. और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको क्या बोलोगे? अपोजिंग फोर्स बोलोगे. राइट स्टूडेंट. तो अगर मेरा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रहा है. जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स. एट अ सेम टाइम अगर मेरा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगी उसको हम अपोजिंग फोर्स बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो. अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स, ऊपर से नीचे आ रहा है तो अपोजिंग फोर्स. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे हम देखेंगे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स कौन सा है? अपोजिंग फोर्स है. और ये अपोजिंग फोर्स लिखना है आपको क्योंकि आपका जो काम होगा यहाँ पे हमेशा काम अपोजिंग फोर्स की वजह से ही होता है. अगर तुम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो कोई भी काम होने वाला नहीं है. सो द फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट इज अपोजिंग फोर्स. लेकिन अब क्या होगा, मैं स्लाइटली जो अपना इंटरनल प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मेरे पिस्टन का पोजीशन जो यहाँ पे V1 था वो धीरे धीरे मूव कर जाएगा कहाँ पे? V2 पे. और ये मेरा हो जाएगा सेकेंड पोजीशन V2. ओके स्टूडेंट्स. तो अब जब मेरा अंदर का प्रेशर बढ़ा है तो उसकी वजह से मतलब मेरा ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ा है. लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा है अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इसलिए मैं नेगेटिव साइन लगा रही हूँ. ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन indicates work is done against opposing force. नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो अपोजिंग फोर्स की वजह से हो रहा है. नाउ स्टूडेंट व्हाट यू विल सी व्हाट इज अपोजिंग फोर्स. ओके सो लेट अस राइट डाउन. यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया. हमेशा जो प्रेशर होगा वो आपका कौन सा प्रेशर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर होगा. तो यहाँ पे हम फोर्स की जगह पे लिखेंगे, अपोजिंग फोर्स की जगह पे लिख रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, और उसके साथ साथ आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट. और ये आपको किसके बारे में बता रहा है? ये आपको बता रहा है वर्क के बारे में. नाउ स्टूडेंट व्हाट इज प्रेशर इनटू एरिया? आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? प्रेशर इनटू एरिया व्हाट वी कैन राइट डाउन हियर, सॉरी, एट द प्लेस ऑफ एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव मी वॉल्यूम. एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो मुझे वॉल्यूम देगा और चेंज इन वॉल्यूम देगा. नेगेटिव साइन एज इट इज आएगी. अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पी एक्सटर्नल इनटू ए इंटू डी, मतलब एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्टेंस विल गिव मी वॉल्यूम. तो मेरे पास आ गया यहाँ पे V. और ये मेरा वर्क। यही स्टूडेंट मेरे पास एक फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क के लिए। वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और ये नेगेटिव साइन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो हम दिखा किसके थ्रू रहे हैं, हम लोग शो कर रहे हैं अपना इक्वेशन किसके थ्रू, एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। एंड दैट्स व्हाई वी आर इम्प्लाइंग हियर नेगेटिव साइन एंड दिस इज ड्यू टू दिस, क्योंकि मेरा कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है। बट अभी मेरा वॉल्यूम क्या हुआ बच्चा, V1 से V2 पे गया। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो आपका सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और ये आपका फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, और जहाँ पे तुम लिख सकते हो वेयर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। डेल्टा V जो है आपका बेटा वो V2 माइनस V1 होगा। दिस इज वॉट वी हैव सीन। लेट अस सी वर्क क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये आप देख चुके हो। फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा और उसी को हम लोग वर्क बोलते हैं। हमने अपोजिंग फोर्स उसके टर्म्स में इसको लिया है, बट मेरा एक्चुअल में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, मेरा ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रहा था। ऊपर से नीचे जा रहा है ना, एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए मैंने कौन सी साइन ले ली, नेगेटिव साइन ले ली। इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, तो मैंने फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया लिख दिया। फिर आगे जाके एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। तो मेरे पास वर्क का जो फॉर्मूला आया, वर्क इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फर्दर। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। याद रखना बच्चों, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि एक्चुअल में एक्ट तेरा ड्राइविंग फोर्स कर रहा है, बट मैं लिख किसके फॉर्मूले में रही हूँ, अपोजिंग फोर्स के फॉर्मूले में। एंड दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट एज माइनस। नेगेटिव साइन इम्प्लाइज वर्क इज डन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ केस ऑफ अ फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम्स में या सीटी के पेपर्स में दे आस्क यू कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, और आप कितना वर्क डन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, या कुछ आपको फिगर दे देगा, इतना वॉल्यूम है एंड दिस ऑल, और बोलेगा एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, ज़ीरो है। याद रखो बच्चों, कभी भी अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो होगा, नो वर्क विल बी डन। आपका आंसर, कुछ नंबर्स नहीं देखना है आपको, ऑप्शंस नहीं देखना है, डायरेक्टली यू हैव टू सी फ्री एक्सपांशन। मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो नो वर्क विल बी डन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।